सर मुझे आज छुट्टी चाहिए सर, क्यों रे? गर्लफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाना है सर। होम राजा, मैंने सोचा था कि तू मेरे साथ बैठकर मुझे कंपनी देगा। आप तो यहीं बैठे हो ना सर। अरे नहीं यार, हाँ वो मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, हाँ तो उसने मुझे क्या बोला पता है? सर, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज जरा प्रैक्टिकल करके बताइए बताइए, आपके और आपके गर्लफ्रेंड के बीच में हुआ क्या था आखिर? स्नेहा, आई लव यू। आई लव यू टू कल्याण। क्यों सर, क्यों मारा मुझे? अबे मैं तेरी नहीं उसकी बात कर रहा हूँ। ओह सॉरी सर, सॉरी सर, मेरे से गलती हो गई, इट्स माय मिस्टेक। हम लोग फिर से शुरू करते हैं सर। तो क्या कहा था आपने? मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है, तुम्हारे जैसे बेवकूफ से प्यार करने से अच्छा है तो मैं मर जाऊँ। तुम्हारे मरने के बाद जो क्रियाक्रम का सामान लगेगा वो भी वेस्ट हो जाएगा। अब क्यों मारा सर? वो लड़की इतनी गंदी गालियां नहीं देती। हाँ, आपसे प्यार करने वाली लड़की ऐसी वैसी होगी यही सोचकर मैंने ऐसी लैंग्वेज यूज की सर। कल्याण सर क्या कर रहे हो? तू भी आ जा, तुझे भी बताता हूँ। जब पानी पीता है तो सही तरीके से बात नहीं करते, अभी तो सर आप पी रहे। नमस्कार दत्ता जी। नमस्कार। आइए दत्ता जी बैठिए। सर दत्ता जी बहुत बड़े स्टेज आर्टिस्ट हैं सर, इन्होंने बहुत सारे प्राइज भी जीते हैं, ये जैसे दिखते वैसे है नहीं। अभी आपको कल्याण जी की लवर की तरह एक्ट करना है। हाँ सर, आप इन्हें मारना शुरू कीजिए। इसका मतलब था बोलना शुरू कीजिए। आप पूछिए सर। बोलिए सर, अपने आप को प्रूफ करता हूँ। मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। आंसर दीजिए सर। सही लवर्स, साइलेंटली सोच रही हूँ। इतना क्या सोचना, जल्दी से बोलिए सर, वेट कर रहे हैं ना। क्या सर, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ और आप मुझे ही मार रहे हैं। मेरी लवर पे हाथ डालते है तो? तुम्हारे घर में माँ नहीं है? तुम्हारे घर में बहन नहीं है? तुम्हारे घर में छोटी बहन नहीं है क्या? ओहो दत्ता जी क्या एक्टिंग कर रहे हैं सर, आप पूरी तरह कैरेक्टर में घुस गए सर। छोटे माली, आपके लिए मैं लेग पीस बना कर लाया हूँ। लेग पीस तो मेरा फेवरेट है। मारा क्यों सर? कहती हो कि मुझे नॉनवेज पसंद नहीं है और मेरे सामने नॉनवेज खा रही हो। मैंने कब कहा कि नॉनवेज पसंद नहीं? आप समझते क्यों नहीं, आप इस वक्त दत्ता साहब नहीं है, आप इनकी गर्लफ्रेंड का रोल कर रहे हैं। ये सब भूलकर आप नॉनवेज खाएंगे तो ये तो आपको मारेंगे ही ना। क्या बार बार कैरेक्टर छोड़ देते हैं? अरे लेके जाओ भाई, पहले ही बहुत परेशानी है। देखो भाई, बिना कैरेक्टर को जाने एक्टिंग करना बहुत मुश्किल है। अब मुझे क्या पता कि वो नॉनवेज नहीं खाती है, मुझे लगा कि वो खाती होगी। ए इसे लेकर जाओ यार। ए बड़े साहब आएंगे तो उनसे कहना मुझे उनसे। छोटे भाई की लवर होकर बड़े भाई से सीधे बात करती हो, शर्म नहीं आती? राम लक्ष्मण जैसे भाइयों के बीच में दरार डाल रही हो? तू कुक होकर मुझ पर हाथ उठाएगा? हाथ नहीं उठाओ, खाना बनाने वाला होकर मुझ पर हाथ उठाएगा? तेरी तो कभी बता दो, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। आओ मैनेजर, किसको पकड़ कर ला रहे हो? ये मेरे फ्रेंड है, इनका नाम है ओम राजा। अरे तो मैं क्या करूँ? आप जो कहेंगे मैं करूँगा सर। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे गोपात्रा को संभालना है। गोपात्रा? गोपात्रा इनके छोटे बेटे हैं। ओ उसे गोद में उठाना है क्या? अरे उसे उठाने की जरूरत नहीं है, उसे उठाओगे तो उसे उठाने की जगह तुम खुद लेट जाओगे, तुम्हें उसे सिर्फ हंसाना है। क्या वो हमेशा रोते रहते हैं क्या? वो हंसता नहीं है, वो अलग ही टाइप का बंदा है। हंसता नहीं क्या सर? उसे हंसाना मेरे लिए चुटकियों का खेल है सर। उधर जाके बजाओ। एक घंटा उसके पीछे रहोगे तो चुटकी नहीं बजा पाओगे, अब जाओ। गोपात्रा नाक के ऊपर विष्णु की तरह कितने सुंदर लग रहे हैं ये। कितना सुंदर कितना खराब है आगे पता चलेगा। गोपात्रा ये मेरे फ्रेंड ओम राजा है, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए आए हैं। नमस्ते ओम राजा जी। आहा, क्या संस्कार है, क्या मर्यादा है। तुम तो मुझे काफी पसंद आ गए ओम राजा, मुझे देखकर क्या लग रहा है तुम्हें, मुझे उठाकर खिलाने का मन कर रहा है ना। आहा, आप सच कह रहे हैं, आप कितने अच्छे हैं, मुझे आपके पास नौकरी मिली है सर। तो चलो ना, मूवी के लिए टाइम हो रहा है, सारे सेक्स सीन खत्म हो जाएंगे। ये क्या मूवी बोल रहा, क्या कहानी है? सिनेमा देखने से पहले कहानी नहीं बतानी चाहिए। ये सब क्या है? गोपात्रा खेल रहा है। ये क्या खेल है, उसकी जान से खेल रहा है वो? गोपात्रा सामने वाले की जान से ही खेलता है। ये कैसा शौक है आपका सर, वहाँ पर तो आप कोई मिल गया का ऋतिक लग रहे थे, यहाँ अग्नि साक्षी के नाना पाटेकर कैसे हो गए सर? मेरा असली रूप तो यही है, आज से ये रिटायर होने वाला है, कल से तुम ही तो मेरा सहारा हो। क्या मैं? अरे एक और राउंड है इसको। अरे ये सेटअप तो केवल ट्रेलर है, कल से पूरी मूवी दिखाता हूँ। डीटीएच कनेक्शन है, सारे चैनल दिखेंगे, पूरी पिक्चर दिखाऊंगा। सर पीछे खाई और आगे कुआं है सर, ये मेरा कैसा नसीब है सर, मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए सर, मुझे माफ करो। कहाँ जा रहे हो? क्यों? घर के पीछे 10 समाधि बनी हुई है। मुझसे समाधि की बात क्यों कर रहे हैं? वो उनकी है जो यहाँ काम करने के लिए मना करके जाना चाहते हैं, वहाँ जाना चाहोगे? ये क्या है सर, समझ में नहीं आ रहा इसलिए पूछ रहा हूँ, इन समाधियों के बीच कैसे पी सकता हूँ सर?
क्यों, तुम्हें भूतों से डर लगता है? वो क्या है, पहले डर लगता था पर अब बिल्कुल डर नहीं लगता। क्यों? भूत तो मेरे आसपास आ ही नहीं सकते क्योंकि मेरे गले में हनुमान जी का लॉकेट है। क्या यही है वो? अरे बाप रे, तुमने इसे चुरा लिया था? मुझे भी भूतों से बहुत डर लगता है, इसलिए तुम्हें बताया बगैर मैंने पहले ही चोरी कर लिया। एक बार जल्दी से अपनी आँख बंद कर लो और पेक पी लो, डर चला जाएगा। डर चला जाएगा? हाँ, चला जाएगा। कसम से? कसम से। डर भगा रहा है, अब खुद भागेगा। अरे बाप रे। Hey, मिस्टर, सिगरेट है क्या तुम्हारे पास? मैं ऑलरेडी टेंशन में हूँ, तुम सिगरेट मांग रहे हो। वैसे तुम यहाँ कैसे आ गए? कार ने धक्का दे दिया था। कार ने धक्का? अरे बाप रे। अरे सैडिस्ट कहीं के, पुस्तक पढ़ पढ़ के लोगों की जान लेने के तरीके ढूंढता है। आज तो तू गया बे। ये क्या, अचानक बिजली चली गई? ओम राजा। अरे ओम राजा, आ जा रे, मुझे तुम्हें अंधेरे में मारने का मन कर रहा है। आ रहा हूँ बे, देख आज तेरी क्या हालत करके रखता हूँ मैं। ओम राजा, आज तो तुम्हें मारना है। वो कौन है जिसने छोटे मालिक पर हाथ उठाया? हाथ क्या, पैर भी उठाया कमीने ने, युद्ध हो रहा है यहाँ पर। क्या पैर से भी मारा? ए, जिसने तुम्हें जिंदगी दी उसे भगवान को पैसे मारते हो? तुम्हारे पैर टेढ़े हो जाएंगे। क्या तुम हो? क्या तुम हो? नहीं। तुम हो? मैं भी नहीं। अगर तुम लोग नहीं हो तो फिर मैं भी नहीं हूँ। करण जाने के बाद मारा, इसका मतलब वो हमारा ही आदमी है। ये काम उन्हीं लोगों का है जिसे तुमने मारा है। मैंने बहुत लोगों को मारा है, अगर सब लोग मुझे मारेंगे तो मैं जिंदा थोड़ी रहूंगा। चले जाओगे? आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए छोटे मालिक, आपको जिसने मारा है मैं उसे ढूंढ कर आऊंगा। लेकिन कब? जब वो फिर से मारने आएगा तब। मतलब मुझे डबल मार खाना पड़ेगा? अगर उसे पकड़ना है तो मार तो खाना ही पड़ेगा। ये क्या है गोपात्रा, तुम्हारी ये हालत किसने की? पूरा शरीर ब्लैक बोर्ड की तरह काला क्यों हो गया? इतना मारा उस साले को कि पागल ही हो गया होगा। एक बार आप सब लोग लाइन में खड़े हो जाइए प्लीज। वो क्यों गोपात्रा? जिसने आज मुझे पंच मारा है उसे पकड़ने के लिए मैंने एक स्कीम बनाई है। क्या फिर से तुम उसे मार खाने वाले हो? नहीं बेटे, मैंने ये अपने बदन पर काला रंग क्यों थोप रखा है? जिसने मुझे मारा है उसके हाथों में ये रंग लगा होगा। उस आदमी का पता चलने के बाद मैं उसे एक ब्लैक बेल्ट की तरह मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा। लाइन में रहो। ओम राजा आ जाओ। पर मैं क्यों? आओ उस लाइन में खड़े हो जाओ। तुम मुझ पर भी शक कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे पापा जैसा हूँ ना बेटा। मैं बेटे जैसा हूँ इसलिए लात नहीं मार रहा हूँ। जाकर लाइन में खड़े रहो। क्या खड़ा होना जरूरी है? जाओ। खड़े हो जाओ ओम राजा, तुम निर्दोष हो तो डर क्यों रहे हो? चुपचाप खड़े हो जाओ। चलो इधर घूम जाओ। हाँ घूम रहा हूँ ना। चलो हाथ उठाओ। अब देखता हूँ कौन है चोर। हाथ उठाओ, देख लो। देखो, देख लो। कहीं अपने हाथ साफ करके तो नहीं आया? पापा ओम राजा। बोलो बेटा। आप ही थे क्या जो इतने दिनों से मेरे साथ चोर पुलिस का खेल खेल रहे थे? क्या तुम्हें पता चल गया? जैसे मेरी बॉडी से तुमने ब्लैक कलर निकाला है वैसे तुम्हारी बॉडी से अब मैं रेड कलर निकालूंगा।